तो मैं जो इन तारों को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। तो फिलहाल देख सकते हो आप लोग तो मैं बिल्कुल जो है रेडी हो गया हूँ। तो मैं आज कहाँ जा रहा हूँ तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, तो मैं जो है मैं मम्मी और चेव हम तीनों जो है आज घर जा रहे हैं, क्योंकि चेव के जो है एग्ज़ाम चले थे और एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो चुके हैं। और देख सकते हो आप यहाँ मम्मी बिल्कुल जो है अभी रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो गया हूँ, चेव भी बिल्कुल रेडी हो गई है। बस थोड़ी देर में जो है अब यहाँ से हमको निकलना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं यहाँ से अब। और सीधा ही आपको जो है मैं पार्किंग के पास मिलूँगा, क्योंकि कल मैंने टायर दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में, और वो टायर में सबसे पहले जो है मुझे हवा डालनी है। तो गाइस फिलहाल जो है मैं बिल्कुल पार्किंग के पास पहुंच चुका हूँ, मैं हूँ अभी गाड़ी में। और एक बार जो है आप लोग पहले मौसम चेकआउट करो यार। तो आज जो मौसम है वो बहुत ही मतलब प्यारा मौसम हो, दिखाता हूँ मैं आपको। तो देख सकते हो आप लोग तो मौसम जो है आज बिल्कुल साफ़ है, तो चारों तरफ से बिल्कुल ही साफ़ है। तो वेदर फॉरकास्ट पर भी जो है दो दिन में बिल्कुल साफ़ मौसम दिया था, तो आज कुछ इस तरह का मौसम। और देख सकते हो अपनी धनु, तो धनु है यहाँ। और मैं आपको दिखा दूं तो जो अगला टायर है वो बिल्कुल बैठ चुका है, तो इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो देखता हूँ, कुछ करता हूँ, पहले मम्मी और चेहू का वेट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने में मम्मी और चेहू यहाँ पे पहुँचते हैं, क्यों ना मैं उतने में जो है गाड़ी में हवा वगैरह सब कुछ डाल के रखता हूँ। वैसे तो मेरे को उसके लिए चेहू की हेल्प चाहिए थी, बट अभी नहीं है वो यहाँ पर, क्या कर सकते हो। तो मैं अकेले करने की कोशिश करूँगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चेहू आ जाएगी। फिलहाल जो है मैं निकालता हूँ, ज़रा पंप दिखाता हूँ और गाड़ी रखता हूँ सबसे पहले स्टार्ट। और तो देख सकते हो दोस्तों तो कुछ इस तरह का पंप है, पर इसमें जो है वो आगे से नहीं है यार, जो वहाँ पे लगता है। तो ये इसमें लगता है, जो एक गोल दिख रहा है आपको, इसका एडेप्टर है। तो कोई बात नहीं, मैं इसका एक जुगाड़ करता हूँ, ट्राई करूँगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग तो मैंने जो है गाड़ी का जो है बॉनेट बिल्कुल खोल दिया है और मैं कुछ ये जुगाड़ करने वाला हूँ। तो मैं जो इन तारों को यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ूंगा, और नीचे मैंने टायर में जोड़ दिया है, तो अब देखता हूँ भर पाऊँगा नहीं भर पाऊँगा। तो मिलता हूँ आपको दो मिनट में। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद, तो देख सकते हो आप लोग तो फिलहाल जो है मैंने हवा भर दी है और रखते हैं इस पंप को पीछे। और यार मम्मी और चेहू जो है अभी भी नहीं आए, उस टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ उन लोगों का। तो फिलहाल बाकी एक बार आगे जो है हवा चेक करानी पड़ेगी कहीं, हाँ पर ये है कि फ़िलहाल जो है मैंने जाने के लिए यहाँ से कर दिया है, हम लोग आराम से जा सकते हैं अब लोग। दोस्तों देख सकते हो आप लोग तो इतना वेट करने के बाद अब ये पहुँच रहे हैं यहाँ पर। तो चलो कोई बात नहीं, तो अब जो है यहाँ से सामान की पैकिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अब। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और हमारे बिल्कुल जो सवारियाँ हैं वो बिल्कुल आ गई है। तो दोस्तों देख सकते हो आप तो ये है रथ जो दिखते थे पुराने ज़माने में रामायण और महाभारत में। दोस्तों फ़िलहाल जो है हम लोग मतियाना पहुंचने वाले हैं और मम्मी जो है बिल्कुल सो गए हैं और चेहू फ़िलहाल जागी है मेरे साथ। तो ये जो कंडक्टर काम करता है बिल्कुल वो पूरा कर रही है, पूरा निभा रही है अभी उस काम को। तो बाकी मिलते हैं आपको थोड़ा आगे, क्योंकि अभी भूख भी लगी है। तेरे को लगी है भूख चेहू? खाना चाहिए कुछ? क्या खाना चाहिए बता दे। चल वहीं पर रुकते आगे, वो अपने वाले पॉइंट पर, ठीक है? तो हम लोग आगे मिलते हैं अब आपको। तो आपको ये सामने वैली दिख रही है, तो ये है मतियाना। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा आगे है वो लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने रुकना है और जहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक हॉल्ट लेना है, वहाँ पे कुछ खाएंगे हम लोग। बाकी देखते हैं अब किस्मत होगी, वहाँ पे एक फूड वैन है, अगर वो फूड वैन होगी वहाँ पे तो ज़रूर खाएंगे, क्योंकि वो जो है
एक भैया एक दीदी होते हैं वहाँ पे, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं यार चाउमीन, तो वहाँ पे ज़रूर खाएंगे। बाकी मिलते हैं आपको वहीं पे, उसी लोकेशन में दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे है। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग बस 2 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे वो फूड वैन, मम्मी देख सकते हो आप, मम्मी तो बिल्कुल सो गए हैं। तो दोस्तों जो ये लोकेशन है कुछ इस तरह की लोकेशन है, तो यहाँ पे है फूड वैन, और यहाँ पे मतलब ऐसा है कि जो भी चीज़ें मिलती है अच्छी मिलती है, मज़ा आता है खाने का, और लोकेशन भी बहुत प्यारी है, दूर दूर तक ऐसा है कि दिख जाता है यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ ऑर्डर किया है, देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल जो है मम्मी से पूछते हैं कि उनका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि मम्मी का जो है हर बार का सफ़र ऐसा ही रहता है कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या कुछ और हो जाता है। तो आज पूछते हैं मम्मी से, तो मम्मी कैसा रहा आपका सफ़र आज का? बहुत अच्छा। आया मज़ा आपको यहाँ तक? पक्का? चलो ठीक है। मोमोज़ खाने थे आपने, तो यहाँ पर अभी मोमोज़ नहीं है, तो हम चाउमीन ही ऑर्डर किया थे मम्मी ने, ठीक है। 3 किया कि 2 किए? 3। ओके, फिलहाल देख सकते हो आप, तो हमारा जो है चाउमीन है वो बिल्कुल आ गया है। मम्मी प्लीज। ओहो नाइस। लो बेटे। तो खाते इसको फिर पूछते हैं मम्मी और चेहू से कि बताना, ठीक है। तो फिलहाल जो है मम्मी और मैंने अपना चाउमीन कर दिया है डन, और चेहू बच गई है। तो बता चेहू कैसा लगा तेरे को ये चाउमीन? अच्छा था ना, टेस्ट था, मज़ा आया। मतलब मम्मी कैसा लगा आपको ये? ठीक है, तो अब निकलते हैं यहाँ से यार जल्दी से, अब जो है नारकंडा पहुँचना है, फिर घर भी पहुँचना है। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, तो अब आपको मिलते हैं सीधे आगे रास्ते में, क्योंकि टाइम भी जो है कवर करना है, शाम तक पहुँचना भी है घर पे। तो दोस्तों ये लग गया है पहाड़ी जाम, तो पहाड़ों में गाड़ियों से ज़्यादा जो है इनका जाम लगता है। देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल नारकंडा में एंटर हो चुके हैं। तो ये है नारकंडा, और सामने जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ पे मंदिर, तो जय हो। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। तो ये है नारकंडा की मार्केट, तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ पे मतलब चीज़ें सब कुछ मिल जाती होगी, ज़्यादा आइडिया मेरे को भी नहीं है। और जो सामने आप लोग ये रोड देख रहे हो, ये रोड जाता है, ये जाता है हाटू के लिए, तो हाटू मंदिर, अगर आप लोगों को हाटू मंदिर जाना है तो इस रोड से जा सकते हो आप। तो अब मैं 2 मिनट में बिल्कुल पहुंचने वाला हूँ पेट्रोल पंप, और सबसे पहले जो है हम फ्यूल अप करेंगे अभी। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग जो है पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है फ्यूल अप हो रहा है, और देख सकते हो आप कितना रश है पेट्रोल पंप पे भी। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोगों ने फ्यूल अप कर दिया है, और आज मेरे को लगता है काफ़ी टाइम बाद जो है गाड़ी तेल की टंकी है ना वो फुल हुई है, मतलब गाड़ी को भी आज अच्छा लगा होगा काफ़ी टाइम बाद। तो बाकी आप जो है तब तक अब थोड़ा सा जो ये नेचर है यहाँ का व्यू है उस चीज़ को जो है इंजॉय करें थोड़ी देर, और दिखाओ आप आगे यार। हमारी जो बॉटल है उसमें पानी भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे आगे एक जगह है वहाँ पे मतलब बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा आपको,
12 महीने आप जब भी वहाँ पे आएंगे तो आपको बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा। तो अभी मैं आपको जगह दिखाऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ से भी पानी भी भरना है, और जो मतलब ऐसी हाइट वाली जगह होती है, अगर आप लोग वहाँ का पानी पियोगे तो उससे जो है कई बीमारियाँ भी कट जाती हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल वाटर होता है ना, तो ये कहाँ से आता है, ये आता है ऐसे जंगलों जुंगलों से, कहीं से बीच से, तो इसमें जो जड़ी बूटियाँ भी आ जाती है, ठीक है, तो जिस वजह से जो है आपकी जो आती तो बीमारियाँ ऐसी कट जाती है। और इस पानी की एक और खासियत है, इस पानी से जो है भूख ज़्यादा लगती है, अगर आप इस पानी को पिएंगे तो आपको जो है भूख जो है ज़्यादा लगेगी। कभी आप लोग करना इस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट करना एक बार, तो आप लोग को पता लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ, तो ये चीज़ें आजमाई की चीज़ें हैं खुद से। बाकी मैं भी आपको दिखाता हूँ जब वो जगह आएगी ना, मैं आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों फिलहाल जो है हमारे को हमारे शास्त्री जी मिल गए, देख सकते हो आप लोग। हाँ तो मिला दे भाई, चल ठीक है, मिलते हैं ना, ठीक है, आराम से जाइए। बाकी तो अपने शास्त्री जी मिल गए थे हमारे को। तो मैं जो आपको चीज़ दिखा रहा था, तो जो नारकंडा वैली है तो इस चीज़ के लिए जानी जाती है, क्योंकि ये जो है अपने आप में एक ब्यूटी है। तो शास्त्री जी को हमने बिल्कुल बाय बोल दिया है, और देख सकते हो आप यहाँ से व्यू, कुछ इस तरह का व्यू है, और हमारी मॉम। तो दोस्तों फिलहाल अभी आपने देखा तो हमारे को पीछे मिले शास्त्री जी अपने, तो शास्त्री जी ने भी दिल खुश कर दिया यार, अचानक ही मिलना हुआ इनका। मैं तो आप लोगों को नारकंडा की जो है ब्यूटी दिखाने उतरा था, पर वहाँ पे तो कुछ और ही ब्यूटी दिखी हमारे को, वहाँ पे अपने शास्त्री जी दिखे। तो चलो ये भी अब किस्मत में लिखा था शास्त्री जी का मिलना, तो अच्छा लगा हमें भी। वो भी कहीं काम से जा रहे थे, जल्दी में थे तो निकल गए, हम भी वहाँ से आगे आगे। तो अब फिर से आप लोग जो है यहाँ से आगे के सिनेमैटिक शॉट्स जो अभी हमारी बहन जो लेगी, तो वो चीज़ जो है आप अभी एंजॉय करो। बाकी तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ठंडा पानी होता है। तो ये सामने वो जगह है जहाँ पे आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं, कि दो तीन गाड़ियाँ रुकी हैं यहाँ पे। तो हम लोग भी जो है यहाँ से बिल्कुल पानी भरेंगे अभी, और ठंडे पानी का मज़ा बिल्कुल उठाएंगे यार। तो ये सामने वाली जगह है, तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे जो है पानी वो देख सकते हो आप, बिल्कुल नेचुरल कहीं इधर से आ रहा है, अब आइडिया तो नहीं है, और बिल्कुल ठंडा पानी है यार। और सामने जो है यहाँ पे मंदिर है, और इधर हमने गाड़ी लगा दी एकदम। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत लोग उतरते हैं। तो ये चली गई एक बार फिर से मुंह धोने, क्योंकि इसके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। मैंने जो है वाइपर चलाया और नीचे से पानी आया, और ये इधर से आ रही थी, और सारा जो पानी है वो इसके मुंह में चला गया, और देख सकते हो आप। तो इसके साथ छोटा सा प्रैंक हुआ है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों फिलहाल जो है हमारा लंच टाइम बिल्कुल हो गया है, और अभी हम लोग बस थोड़ा सा ही आगे यहीं पे है एक मतलब अच्छा ढाबा सा है, सारी जितनी भी बसेस वगैरह आती है यहाँ पे तो सब चीज़ें वहीं पे रुकती है, और अच्छा खाना मिलता है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा हाई फाई खाना है, मतलब सब कुछ अच्छा है वहाँ पे। आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, बिल्कुल दिखाऊँगा। तो हाँ, अगर आप लोग कभी इस रोड पर आते हो या कुछ भी, तो वहाँ पर मतलब एक बार ज़रूर खा के देखना, फिर बताना मुझे कि हाँ आप लोगों को कैसा लगा। जो भी होगा तो कमेंट करके बता देना। हाँ, अगर कोई आया होगा यहाँ पे पहले तो वो तो भाई उसको तो पता ही होगा कैसा बनता होगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक बनता है, बाकी टेस्ट जो होता है वो तो सबका अपना अपना ही होता है भाई, उसके लिए तो मैं कुछ भी बोल नहीं सकता। बस थोड़ी सी दूरी पर है, बस पहुँचने वाले हम लोग। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, तो जहाँ ये SKD बस रुकी है
जगह पे है वो होटल यहाँ पीछे को दिखा दो, ये होटल है गाइस। दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी बसेस जो है यहाँ पे रुकती है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे राजमा चावल बिल्कुल ऑर्डर कर दिया है और मम्मी बैठ चुके हैं, जेहू भी, क्योंकि भूख लगी थी सबको। तो चलो खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको। जो है हमारा राजमा चावल देख सकते हो आप आ चुका है, तो चलो खाते हैं अब इसको। तो फिलहाल जो है दोस्तों हमारा खाना बिल्कुल डन हो गया है और मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया। तो अब मैं खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए किटकैट, तो मम्मी को पूछते हैं मम्मी को कैसा लगा। मज़ा आया, आना था मज़ा, तो क्योंकि मैंने अच्छी जगह रहा था। तो अब मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि अब जो है हम लोग लेट ही बहुत हो गया और अब मैं आपको सीधा आगे ही मिलूँगा कहीं, क्योंकि मैं रास्ते में शूट करने वाला नहीं हूँ गाइस। जैसे जैसे हम घर के पास पहुंच रहे हैं तो तुझे कैसा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग बिल्कुल देख सकते हो आप लोग सेंट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से जो सीधा रोड जाता है वो बिल्कुल वो है आगे रामपुर के लिए, और हमको जाना है यहाँ से लेफ्ट, तो हम निकलेंगे यहाँ से लोनी की साइड। हम लोग अभी घर के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब जो है कम से कम 7-8 किलोमीटर रह गया है, तो जो जेहू की एक्साइटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है घर को देखने की, इसकी दादी से मिलने की। भाई की एक्साइटमेंट बता दे थोड़ा, सबकी सबसे मिलने की। देख सकते हो आप हमारे को सबसे पहले कौन मिल गया है, तो हमारे को नमस्ते बेटे बिल्कुल मिल गया है अपना छोटा। और जी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो? चल ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ से जो है यहाँ से रोड कटता है अंदर के लिए, तो ये जाता है रामपुर और हम जाएंगे यहाँ से सीधा नीचे। देख सकते हो आप पार्किंग अपनी। दोस्तों फिलहाल जो है हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल अपनी पार्किंग में, तो मम्मी को पूछते हैं तो उनका सफर कैसा रहा आज का। बहुत अच्छा। पक्का? तो आपका कैसा रहा जी? बहुत अच्छा। बस थोड़ी सी हालत ख़राब होगी, बाकी सफ़र तो अच्छा रहा। तो आई होप आप सब लोगों को जो है ये ब्लॉग ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के ब्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।